अब डिस्टर्ब मत करे, बस फाइनल नेटवर्क आ गया। मुझको अब डिस्टर्ब नहीं करेगा। और हाँ, नेटवर्क कैसे था थोड़ा, तो ऑफ ऑन किया दो बार, शायद ठीक हो गया। होपिंग दैट दैट्स ऑल। फिर भी थोड़ा फ्लक्चुएट कर रहेगी VPS। एनीवे जितना हो सके अल्ट्रा टू कवर। हेलो क्लैश इज फरारी, वेलकम टू द स्ट्रीम, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस ब्रदर। थोड़ा खराब दिन जा रहा है नेटवर्क की वजह से। आई हैव नो पार्ट इन दिस, नेटवर्क की गलती है भाई। एक सेकंड और एक चीज़ में देख लेता, उसके बाद आराम से देखूँगा भाई। डिस्टर्ब तो कर लेता हूँ। ब्रो प्लेन पाथ क्या था भाई, मुझे खुद याद नहीं है। मतलब नेटवर्क इतना कट रहा है अपना, इतना कट रहा है। दो दिन मतलब इतना दिन अच्छा चल रहा था, आज फॉर द फर्स्ट टाइम नेटवर्क गंदा हुआ। चलो अरे यार देखो फिर से डिस्टर्ब, मतलब थोड़ा बहुत डिस्टर्ब करे, थोड़ा बहुत। लाइक अभी ग्रीन नहीं है, येलो कलर है, तब समझ सकते हो येलो कलर मीन्स इट्स नॉट गुड। स्ट्रीमिंग का नेटवर्क डिस्टर्ब कर रहा है, वैसे आईपैड में ठीक ठाक नेट चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। भाई साहब फिर से चलो बस फाइट है इधर, इग्नोर करते फुल नेटवर्क कैसे को इग्नोर करते हैं, ट्राई टू जस्ट ऑब्जर्व क्या हो रहा है फाइट, वहाँ पे थोड़ा बहुत फोकस करने की ट्राई करते हैं। और इधर बीच पे दो टीम है जो फाइट ले सकते हैं इधर। ओके एक टीम कवर, एक टीम कवर जा रहा है सामने अपने टीम मेट से कवर लेते हुए। मैप दिखाओ, यस वायर वन दिखाओ, वायर वन। ओके लेट्स यू फाइंड फर्स्ट, ये है क्या वेट है WT, सर नॉट WT, AW है इधर। और वायर वन भाई आपका स्क्वाड कौन से स्लॉट पे बैठा है, अगर आप बोल पाते तो मैं अच्छे जा पाता। मुझे नहीं दिख रहा वायर वन कहाँ पे। और भाई साहब इधर FH की टीम की दो बंदे नॉक डाउन है, स्लेयर एक बंदा जिंदा है, स्लेयर इन रिया ये दो ही जिंदा है। ग्राउंड पर जाकर देख पाओगे तो टीम नंबर 7 दैट इज़ ओके मिक्सअप टीम है, टीम नंबर 7 वर्सेस टीम नंबर 4 हो रहा है। एंड टीम नंबर 4 की एक बंदा वेब हो गया एंड 7 के बंदे पीछे से है। ओके दे आर रशिंग, देख सकते हो वो लोग अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं रश करने के लिए। एंड अपना आईकोन जो है सबसे पहले M4 विथ 6x रिया को दे दिया एलिमिनेशन। उनमें से एक बंदा शायद नो, दो बंदा शेयर के खड़ा है मतलब फाइट कर रहे हैं। एंड स्लेयर है अभी लास्ट में डाल, दो बंदे छोड़ दिया है। एंड फाइनली टीम नंबर 7 ने FH की टीम को एलिमिनेट कर दिया है एट 20th पोजीशन। तो भाई फर्स्ट एलिमिनेशन है पूरे एंटायर मैच का जो कि FH की टीम। तो नेक्स्ट मैच को उनको बहुत ही ज़बरदस्त खेलना पड़ेगा टू रिकवर हिज लॉस।
देखते हैं दूसरी ओर। दूसरी ओर देखने की बारी पे देख सकते हैं दो तीन टीम्स है ग्राउंड पे, जो कि अपना टीम नंबर 5, 10, 11 एंड 18। एंड चलो 11 के पास चलते हैं। 11 के सब के सब बंदे अपार्टमेंट्स है भाई, तो बिल्कुल डटे पर है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब वो लोग इतना भी एग्रेसिव नहीं है, ठीक ठाक है। एंड देख सकते टीम नंबर 11 एंड टीम नंबर 18 भाग रहे अपनी इस पोजिशन से, एंड कभी भी उसके पीछे बाहर आ सकते। सामने से टीम नंबर 5 रोटेट करते हुए आ रहे हैं, अगर उसकी नज़र में आ गए तो टीम नंबर 18 को कच्चा चबा जाएंगे अकॉर्डिंग टू मी। और देखते देखते भाई टीम नंबर 18 कवर में आ गए, ऑलमोस्ट कवर में आ गए, अभी भी उनके ऊपर थोड़ा बहुत खतरा है बट इट्स वेरी मिनिमम। एंड शो टीम एनओआर, ओके लेट्स गो टू टीम एनओआर। कहाँ गया, ये रहा टीम एनोवा। उसके ग्राउंड पे देख सकते हो ओनली टीम नंबर 14 के एक बंदा दिख रहा है, एंड बाकी ओके टीम नंबर 14 की पूरा स्क्वाड आ गया। टीम वर्सेस टीम, ओके टीम नंबर टीम व्हाट, ओके मैशअप टीम है, मतलब चार बंदों का कॉम्बिनेशन, आइकोनिक, ओके आइकोनिक का दो बंदा, सो आइकोनिक वर्सेस एनोवा इधर हो सकते हैं, बट हो सकता है मैंने बोला, क्योंकि देख सकते हो आइकोनिक का टीम अभी इधर से रोटेट करके फाइट को अवॉइड करते हुए जा रहे हैं दूर, और फिर से हम लोग जाएंगे उसके आजू बाजू की टीम। तो AW तेरा कोई कनेक्शन नहीं हुआ। दूसरी मेट के पास जाएंगे, दूसरा टीम में हाथ में है यूजी एंड बाइक के थ्रू जा रहे, सामने है IQ का एक बंदा, तो IQ के एक बंदे को टीम AW की टीम थोड़ा बहुत टीम दे सकते हैं। लेट्स सी, उसको स्पॉट बिल्कुल उसको स्पॉट भी नहीं किया, तो आराम से टीम AW जा रहा है सामने से, एंड IQ गुड फ्रंट पर जाएंगे। मीन वाइल TL2 ने दे दिया CS7 को नॉक, फिनिश एलिमिनेशन है उनका चीज़, तो जाके देखेंगे क्या सीन है उधर। तो इधर भाई फेस ऑफ फाइट हो रहा है BDR, ओके BDR के दो बंदे एलिमिनेट हो गए, बाकी लास्ट में लाइफ है, जो मैंने बोला था उनकी जो खतरा है खतरा है। एंड अभी देख सकते हो बोलते बोलते भाई वो लोग एट द 19th पोजीशन, दैट इज सेकंड लास्ट पोजीशन पे एलिमिनेट हो गए हैं BDR की टीम अगेंस्ट TLQ की टीम। तो TLQ की टीम अपने एक टीममेट को बस नॉक, उन लोगों ने बस नॉक लिया है अपने एक टीममेट का, और बाकी सामने वाली टीम को पूरा एलिमिनेट कर दिया है बहुत ही आराम से। और दूसरी ओर जाके देखेंगे तो आप नोवो पे एक टीम बिल्कुल भाई अपना अड्डा जमा के बैठे, TR का टीम है और जोन की सेंटर ये चीज़, तो उनको भी बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा इन फ्यूचर। दूसरी ओर पानी से तैर के हुए, अभी से ही तैरना चालू कर दिया इन लोगों ने, क्योंकि ब्रिज क्रॉस करना पड़ेगा, एंड आई डोंट थिंक मतलब आज तक मैंने ऐसे ब्रिज क्रॉसिंग की सीनरियों पे कोई भी बंदा ब्रिज क्रॉस ही नहीं करता, हर एक बंदा प्रेफर टू गो मतलब तैरते तैरते बंदे मर जाते हैं, पर ब्रिज की ओर बिल्कुल नहीं जाते क्योंकि किल पॉइंट्स बिल्कुल नहीं देगा वो लोग। और दूसरी ओर भी फाइट हो रहा था जो कि अपना ये पोचिंगी के आउटस्कर्ट्स में, बट हम आते आते ऑलरेडी बंदा गायब हो गया, मतलब नॉक फिनिश हो गया। दूसरी ओर इधर भी फाइट हो रहा है, बंदा नॉक डाउन है, तो लेफ्ट राइट हर तरफ फाइट पे फाइट हो रहा है, एंड वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू कवर अप ईच एंड एवरी स्टोरी, हर एक का मौत हम लोग कवर अप करने की ट्राई कर रहे हैं। और टीम नंबर 10 का जो लास्ट एक बंदा नॉक डाउन था उसको फिनिश दे दिया है लास्ट में फ्रॉम टीम नंबर 10 व्हिच इज अरहान। एंड टीम नंबर 3 जो इधर थोड़ा बहुत फाइट कर रहे थे वो अपना फाइट सब कुछ संभाल के अब शायद जोन की ओर जाने की कोशिश करेंगे। एंड देख सकते हो बाकी बाकी लेके इधर उधर घूम रहे अपने जो ग्राउंड पे टीम नंबर 10 का एक बंदा है, टीम नंबर 21 दैट इज R4L की पूरा स्क्वाड बोट से जा रहा है, अगर किसी भी ओपोनेंट की टीम की नज़र में आ गए तो बहुत दिक्कत हो सकती है उन लोगों को। बिल्कुल भाई एक या दो स्प्रे में या फिर चार बंदे का एक स्प्रे में ही पूरा स्क्वाड व्हीकल एक्सप्लोजन से एलिमिनेट हो सकता है। मीनवाइल टीम नंबर 21 का एक बंदा ऑलरेडी अपना जो पोजीशन है जो सेफ है कि नहीं है वो चीज़ देखने के लिए आके इधर रुक गए, तो उनका एक बैकअप फायर था और ग्राउंड पे भी कोई नहीं है फिलहाल। एंड दूसरी ओर देखेंगे तो दूसरी ओर तो फाइट हो सकता है एब्सोल्युटली, इधर भाई फाइट हो रहा है जबरदस्त, जो अपना WT की टीम है वर्सेस NOR का टीम, NOR का टीम का एक बंदा अपना कमेंट सेक्शन पे भी है, तो बहुत ही बढ़िया आपका टीम ही भी फाइट लेगा तो वो चीज़ आप देख सकते हो। और जो NOR का टीम मेट है वो बग्गी लेके भाई बिंदास पानी में कूद गए, एंड उसका एक टीम में एलिमिनेट हो गया, बाकी दो तीन टीम में जॉइन किया था, दूसरा बंदा भी सेम काम कर रहा है अपना गाड़ी वाड़ी उठा के भाई सलमान खान वाला स्टाइल में पानी में कूद गए, सलमान खान नहीं टार्जन वाला स्टाइल है, तो टार्जन वाला स्टाइल में पानी में कूद गए, अब आराम से पैदल जाएंगे। पर उनको उनको जो बात पता नहीं है कि भाई सबके सब इतना चालाक है भाई कि कोई भी ब्रिज कैंपिंग नहीं कर रहा, देखते भाई फिर से अच्छे से देख सकते हो कोई भी ब्रिज कैंपिंग नहीं कर रहा है उस पर, तो थोड़ा सा अगर ये वाला सामने वाला टीम से थोड़ा चकमा देकर निकल सकते थे तो सामने कोई नहीं था, आराम से गाड़ी लेके चल सकते थे, बट बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का, आराम से जाएंगे आराम से जिंदा रहेंगे एंड लास्ट तक फाइट लेंगे, वो उनका मोटिव है। और कनेक्शन से उसको नॉक कर दिया है, दूसरे बंदे को नॉक कर दिया है, ट्राई किया है वो उसका ट्राई बिल्कुल
दो तीन बंदे को नॉक फिनिश कर दिया है, डिनर 15 के बाद जाएंगे तो देख सकते हो लास्ट मैन लाइफ ऑफ डिनर 15। दिस इज पवन, पवन है अपने टीम से लाइफ, हाथ में है M4 बट कुछ नहीं कर सकते भाई, दो तीन बंदे को उतर दिए गाड़ी से। एंड भाई उनके चार फोर मैन टीम था बट कोई फायदा नहीं हुआ, फोर मैन टीम को भाई झटके में सिंगल मैन टीम बना दी। अब पवन को इधर से भागना ही पड़ेगा, उसके अलावा उसको और कोई चॉइस भी नहीं है भाई, सामने जाएंगे तो चार बंदा यमदूत की तरह खड़ा होगा और भाई आराम से उसको पेल देगा। बट वो एक चीज़ कर सकते हैं इधर बीच कैंप कर सकते हैं, होपिंग दैट कि वो लोग अंधा आएंगे इधर एंड वो भी अपना बदला एकदम एग्जैक्ट जो एक होता है बदला ऑपोजिट तरीके से वो ले पाएगा। मीनवाइल अपने AW के पास जाएंगे, AW का टीम जो है इधर जो थोड़ा बहुत होल्ड कर रहे थे तो उनका जो एक सवर का फल बिल्कुल मीठा है, बिल्कुल देख सकते हो उनको मिला है चार चार फिनिश पॉइंट्स। तो अब वो लोग आराम से पवन को स्पॉट किया एंड थोड़ा बहुत स्प्रे भी दिया बट कोई कनेक्शन नहीं हुआ। मीनवाइल नॉर्थ के पास जाएंगे तो नॉर्थ का टीम जो तैर के आ रहे थे और उनका भी सक्सेसफुल स्विम हुआ एंड अभी बोट उठा के अपना स्किन लगा के फ्लैक्स करते हुए जा रहे और दे दिया है आर्फोरल वैम्पायर को इलिमिनेशन एट दिस पॉइंट। चलो इधर फाइट हो रहा है उनकी, तो और थोड़ा सा नज़र देते हैं क्या फाइट है उनका, क्या चीज़ चल रहा है, सब कुछ देखेंगे। आप लोगों का अभी तक शायद थोड़ा बहुत इशू हो रहा होगा, दैट इज़ आप लोग अगर वीडियो देख रहे हो, स्ट्रीम देख रहे हो, देन मीडियल में ही आपका वीडियो एंड हो रहा है, होप मतलब ऐसा आपको दिखा रहा है कि भाई वीडियो एंडेड। आप क्या कर सकते हो, आप बस रिफ्रेश कर सकते हो। अब देखो भाई नेटवर्क का इशू है तो मतलब मेरे किसी के हाथ में भी नहीं है नेटवर्क का इशू, पूरे कैरियर के हाथ में, और कैरियर भाई अपना वाला चुतिया है रेलटेल, क्या करे बताओ। और इधर और दूसरा नेटवर्क अवेलेबल नहीं है, अवेलेबल होता तो मैं लगा लेता। और ऊपर इन्वर्टर नेटवर्क आया है AW के ऊपर, बिल्कुल वो ऊपर से, और AW की टीम उल्टा दिशा में आ रहा है देख सकते हो। वो लोग भाई टीम के पीछे पागल है, आप दूसरी टीम जो टीम से बाहर है उसको मारने की कोशिश के साथ जा रहे थे बट नो, इन्वर्टर नेटवर्क ने अपना उठा दी एंड आराम से AW के टीममेट को नॉक कर दिया है। अब मुझे नहीं लगता उसको कोई भी मिला, उसका टीममेट भी नहीं है, टीममेट जो भी है बहुत दूर है, तो आते आते भाई उसका शहीद होना पक्का है। देखते हैं भाई क्या है सीन, अगर AW की टीम बहुत ही मतलब ज़बरदस्त माइंड ब्लोइंग खेलेंगे तो एब्सोल्युटली वो अपना टीममेट को रिवाइव कर पाएगा, बट इट्स अ थिंग टू वॉच। तो बस दो तीन मिनट वेट करते हैं और देखते देखते भाई अपना जो न्यूट्रॉन है वो आ गए अपने टीममेट के पास। आप देखते हैं नंबर 22 जो मौका है जो आ रहे हैं उनको पकड़ने की, वो ले पाएगा टीम नंबर 8 अपने टीममेट को रेस्क्यू करके सक्सेसफुल हो जाएंगे। मीनवाइल क्वालिटी आने की कोशिश में उसको दे दिया है एलिमिनेशन या फिर नॉक बोल सकते हो आप लोग। अभी अपना जो AW का टीम है बहुत ही संकट में है एंड उनका इस टीम आइकॉनिक को देखो, हाँ भाई एब्सोल्युटली दिखाएंगे, भाई बस एक सेकंड इधर थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं। टीम नंबर 22 मीनवाइल जोन के अंदर जाने की कोशिश बट नो, किसी ने उसको दे, वो कूद के नॉक हो गए हैं एंड चलो हम जाएंगे अभी आइकॉनिक के पास। वेयर इज आइकॉनिक ब्रदर, यार टीम आइकॉनिक के ग्राउंड पे आप देख सकते हो टीम ग्रिड है, तो देखते हैं भाई क्योंकि ग्रिड थोड़ा नीचे है। अरे इस तरफ को अभी मतलब खाली है थोड़ा सा एरिया। अबे वो वहां का दिखाया नहीं रहा साले, दिखा इधर का रहा है, नहीं दिखा रहा वो। दौड़ दौड़ तेरे को प्रॉब्लम नहीं, आराम से। अभी 17 टीम है पूरे, मैं तो खुद जा रही हूँ।
यार माइक ऑफ करके बात कर रहा था हार्डवेयर। हाँ मैं बोल रहा था मोनेटाइजेशन ऑन होने दो फिर हम करेंगे सोलो, और सेकंड है जस्ट भाई अब 100 आवर्स फोन की चाहिए फॉर बात ही नहीं मोनेटाइजेशन, है। तो बहुत ही जल्दी मोनेटाइजेशन ऑन हो लेफ्ट जाएगा, से उसके चले बाद जा, तू जा मोनेटाइजेशन का एक बॉम्ब पूरा में पैसा हेड का सोलो नहीं में ट्राई रखेंगे कर। और आपने सबसे पैसा पढ़ाने चला। और इधर टीम नंबर 13 जो ब्रीड सुनू है, दो बंदे उनकी टीम में से लाइव आउट, तो ब्रीड सुनू बहुत ही लाइक डेडली घायल है, उनको अभी फिलहाल रियल मतलब हील ही करना पड़ेगा बिफोर गिविंग एनी फायर। बंदा थोड़ा सा आई बटन से दिख रहा है सिनेरियो क्या है, बंदा पुश करे कि नहीं करे, बट पीछे से अपना दूसरा टीममेट BRX के था ना उसने या फिर ऐसे कुछ नाम बंदा दे दिया है अपने सुनू को नॉक, एंड उसके भी टीममेट अंकुर है बहुत दूर है तो उनको बहुत टाइम लगेगा। स्लॉट 20 जिंदा है कि नहीं, ओके फाइन स्लॉट 20 के बाद चलते हैं। ओके हम जब फाइट देखते हैं तो थोड़ा सा मतलब उस फाइट के सर, हाँ स्लॉट 20 जिंदा है एंड पानी से जोन के अंदर आ रहे हैं फिलहाल, तो शायद जोन पे है, लेट्स सी नो जोन पे नहीं है बट हमने सामने कोई नहीं है। भाई तुम लोग यस्टरडे मैच में क्वालिफाई किए हैं, नेक्स्ट मैच कब होगा? ब्रो नेक्स्ट मैच आप डिस्कॉर्ड पे नज़र रखो, देखो क्या है, आज ग्रुप 2 है, कल ग्रुप 3 है, आफ्टर ग्रुप 3 हम लोग मतलब अनाउंस करेंगे नेक्स्ट मैच के लिए, मतलब विद इन 2 डेज, मतलब एक दिन का गैप रखते हैं ताकि थोड़ा बहुत मतलब एक सेपरेशन रहे सेमीफाइनल्स से फाइनल्स के बीच में। तो यू कैन एज्यूम, आई एम नॉट गिविंग यू 100% एश्योरेंस, यू कैन एज्यूम फिफ्थ। अबे रान इधर BRX एक अपने यहाँ पे MP4 8x ट्राई कर रहे इधर थोड़ा बहुत स्नाइपिंग बीच का, बट रास्ता है कोई वो फायदा नहीं होगा, ऐसे कोई भी नॉक नहीं मिला उन लोगों को, और हम जब हम ओके फाइन इधर जोन के सीधे बाहर जा देख रहे हैं सकते यहाँ हैं बंदे नॉक हो हैं गए पर अपने बहुत दूर है थोड़े EMZ के पीछे रह बंदे सकते हैं वहाँ पर। एंड उसका टीममेट फिलहाल बोट से आ रहे हैं, एंड अगर स्पॉट हो गए तो एब्सोल्युटली उसका पेटी ही बनेगा, उसके अब अलावा कुछ नहीं प्रॉब्लली बनेगा। गाड़ी मिल जोन जाए ना बहुत ही तो होगा, छोटा नहीं है, तो हम अभी सेट रिवाइव जाना देना पड़ेगा। इट्स अ क्वेश्चन मार्क, आई एम नॉट श्योर यू लेवल टू हील हिमसेल्फ, और पीछे से भाई अपना जो TLQ के बंदे हैं वो लेट के भाई से गाड़ी फोड़ हमेशा दिया है, अर्ली अर्ली थोड़ा मर सा जाते कनेक्शन हैं हुआ है हमेशा, फॉर तो विच, नहीं तो थोड़ा बोर मर सा जाते मतलब हैं। उसको डैमेज भी हुआ बट कोई नॉक नहीं निकला, वैसे भी उसका हेल्थ बहुत कम था बट स्टिल कोई नॉक नहीं निकला, और जो अपना टीममेट है अपने टीममेट को हील मतलब रिवाइव करके हील करके भाई आराम से जोन के अंदर आ रहे हैं। अभी बैंडेज मारने का टाइम है, हील मतलब आपका जो हेल्थ किट है वो मार नहीं मैं सकते, तो मैं इसको और दूसरी बोल ही ओर रहा था ऐसे मैं नॉक मत हो, सेवनटीन कुछ टीम हो जाए से राइट मतलब लेफ्ट इतना जान छोटा के। जोन हो गया, 17 टीम से 38 बंदे हैं, ऐसे बहुत सारे बंदे हैं जो कि, और देखो तो पानी से एक बंदे नॉक फिनिश हो गए हैं जो कि इस टीम से बिलोंग करते, जो चीज उस समय भी जब PSS, वहां पर ओके था ना क्या PSS की कहते टीम हैं से एक तब बंदा भी मेरे जो से था 200 से वो 100 पानी से मीटर आ दूर रहे था, थे तू और पानी के 200 बाहर 300 ही मीटर दूर अंदर ही बैठा नॉक हुआ है फिनिश हो गया। ऊपर से तेरे लिए रोड पार हाँ कर रहा भाई हूँ। मेरा काम इन्फॉर्मेशन देना, आप थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है, इट्स माई ड्यूटी ब्रदर। और दूसरी ओर भाई इधर बहुत सारे देख सकते हो, बहुत सारे ऐसे बंदे जो कि लास्ट में आए फ्रॉम द टीम, हम जाएंगे एक एक करके उनके पास, अब देख सकते हो टीम नंबर 22 की तरफ से एक लास्ट में आए पे मतलब ऐसे जगह पे बैठे हैं भाई, एटलीस्ट एक बंदे को तो लेके जाएंगे, अगर गलती से भी कोई बंदे इसके आसपास आ भी गए तो ये इस टीम से भी टीम नंबर 11 से भी लास्ट में आए पे, तो देख देख उस सकते हो समय होता बहुत ना तो सारे इनसे टीम को से बचा एक एक लेता बंदा मैं, आए पे, एंड इनका आई बंदा थिंक 11 पहुंच के जाता बंदा है स्पॉट हो गया, मौके मीनवाइल नहीं ग्रीड जाएगा। अंकुर ने दे दिया है किसी को नॉक, चलो ग्रीड अंकुर भी अपने अरे टीम से भाई लास्ट में लाए अरे पे, एंड ले भाई जाएंगे किसी उनके को POV के पास, तो देखेंगे क्या किसी सीन को है बच उनका। नहीं अंकुर भैया स्पॉट आउट के अंदर अरे हाथ में लेना यूसी पड़ेगा है, नीचे एंड जाएगा टीम नंबर तू 19 यहाँ पर पूरा कूद दिया फिर है उसके मार के ऊपर आसपास अकॉर्डिंग टू मी। लेट्स सी क्या हो रहा है इधर, टीम नंबर 19 के 4 बंदे आउट ऑफ विच एक बंदा नॉक डाउन है, दूसरा बंदा रेड जा रहा है एंड ये जेब जा रही है, एंड मयंक एंड फ्रोस्ट इज फ्रोस्ट खुद नॉक है, मयंक एंड जो जिसका बंदा आर्क नाइन है वो फुल ट्राई क्या कर रहा बोल है, रहा था क्या और बोल रहा अंकुर था ने क्या आर्क नाइन ने क्या IQ वाला मूव दिखाया, देख सकते हो गाड़ी के अंदर बैठ के स्प्रे दिया एंड उसका आराम से अंकुर को दे दिया है इलिमिनेशन, एंड आर्क नाइन ने इधर बिल्कुल एक 100 वाला IQ वाला मूव दिखाया इधर, एंड ऊपर से दूसरी तरफ से आ रहा है थोड़ा बहुत स्प्रे, एंड शायद आर्क नाइन इलिमिनेट हो सकते हैं इस जगह पर रहते हुए, और जो इसको स्प्रे देने की कोशिश कर इलिमिनेट करने की कोशिश कर वो है टीम नंबर 3 की तरफ से, टीम नंबर 3 के पास जाएंगे, तो अगर आपका टीम है या फेल है आपको कमेंट करो, हम जाएंगे उनके पास देखेंगे उनका POV और समझेंगे क्या सीन चल रहा है। टीम नंबर 3 के आसपास आ गए हैं टीम नंबर 5, तो टीम नंबर 5 के पास जाएंगे, तेरा टीम नंबर 5 एंड टीम नंबर 5 आते ही लेट गए भाई, पहला काम है नंबर ऑफ टीम नंबर ऑफ प्लेयर्स आर इमेंस, कहीं से भी थर्ड पार्टी हो सकता है, तो ऊपर से पहाड़ी पे हो तो मतलब एलिवेटेड हाइट पे हो आप, सबकी नज़र आपके ऊपर सबसे पहले रहेंगी, सबका एक कॉमन आइडिया है कि हाइट के अंदर से हमेशा खतरे से खाली नहीं होता, तो अगर आप हाइट पे हो तो आपको ही सबसे पहले लेने की कोशिश करनी चाहिए बंदा, और देखो तो अपना बादशाह एंड स्प्रे के साथ साथ भाई उसको नॉक पिन मिल रहा है, एंड 2 फिनिश पॉइंट मिल गए उसको मोस्ट प्रोबेबली, एंड दूसरी ओर किसी के पास तो MG3 मिल गए जो कि टपाटप पेलते जा रहे हैं MG3, एंड सोलो का टूर्नामेंट करो, हाँ वो भी कर सकते हैं, सोलो का भी टूर्नामेंट कर सकते हैं।
देखो भाई, पहले मोनेटाइजेशन ऑन होने दो, थोड़ा बहुत पैसा आने दो। जो पैसा मैं ऑब्वियसली इसको री इन्वेस्ट कर दूंगा चैनल पे, इसका कोई बात नहीं भाई। अभी पॉकेट से कर रहा हो तो जब पैसा आना स्टार्ट होगा तब तो मतलब समझ सकते हो ना, कोई दिक्कत ही नहीं है तब री इन्वेस्टमेंट करना। तो पूरा पैसा री इन्वेस्टमेंट कर देंगे और जो भी मैचेस होगा सबका सब मैं मतलब कम्युनिटी पोल पर डालेंगे, आप लोग वोट करोगे अकॉर्डिंग टू योर वोट। जो वोट आपके सामने होगा सब कुछ ट्रांसपेरेंट होगा कि भाई ये वोट सबसे ज़्यादा पॉइंट्स लेके गए, तो ये वोट दिस पर्टिकुलर शॉर्ट ऑफ मैचेस विल बी हेल्प आफ्टर दिस मैच। हम फिर से वोटिंग करेंगे बट नेक्स्ट टाइम ये जो कैटेगरी मैच हमने करवाया वो कैटेगरी ऑफ मैच हटा देंगे, मतलब जो आप लोग वोट करवाओगे। तो ऐसे हर एक मैच होते रहेंगे एंड सबसे पहले जो मैच होगा वो आपकी ही प्रेफरेंस से होगा। एंड आप लोग जो कमेंट करते हो दिस काइंड ऑफ मैचेस, तो वहाँ से हम पिक करेंगे कौन से टाइप ऑफ मैचेस करेंगे। सब कुछ आपकी ही मुंह की बात है, बस आप लोग आपके लिए सब कुछ करते हैं। हम क्या, हम तो बस एक काइंड ऑफ मिडल मैन बोल सकते हो। और भाई थोड़ा सा मैप पे देखेंगे, देख के ट्राई करेंगे कहाँ पे फाइट हो सकते हैं कहाँ पे नहीं हो सकते। इधर एक बंदा नॉक डाउन है, चलो उनके पास चलते हैं। एंड आप देख सकते हो बंदा नॉक डाउन है, ग्राउंड पे बहुत सारे बंदे हैं, मतलब अभी सीनारियो ऐसा है कहीं से भी कभी भी हेल्प सकते हैं। तो सबके सब बंदे अपने एक्सट्रीम जो अवेयरनेस है उस पोजिशन पे, और टीम नंबर 14 ने किसी को दे दिया एलिमिनेशन। मीनवाइल टीम नंबर 14 वर्सेस 17 हो सकते हैं, चलो 17 थोड़ा सा हाइट के एडवांटेज पे है एंड उनके पास चार चार बंदे हैं। तो हाई होप्स फॉर टीम 17 कि भाई ये टीम कुछ कर सकेंगे। एंड हाँ, मैं फिर से बोल रहा हूँ, नेटवर्क का थोड़ा इशू हो रहा है, तो इशू मतलब फ्लक्चुएट हो रहा है। तो आप लोग एक काम कर सकते हो, लाइक वीडियो को ऑफ करके, मतलब जब स्ट्रीम देख रहे हो आफ्टर 5 मिनट्स में भी ऐसा हो रहा है कि आपका वीडियो ऑफ हो रहा है, अगर ऑफ हो रहा है तो आप उसको फिर से प्ले कर देना, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आज मतलब मैं जिसे बात किया सबको बोल रहा है उसका भी नेटवर्क इशू हो रहा है। 25 वाला स्क्रीन ये क्या होता है? ओके फाइन, चलो इधर देखते हैं। इधर टीम नंबर 15 का लास्ट मैन अलाइव है जो एक सेक के अंदर है एंड उनके पास जोन नहीं है, तो उनके पास प्रेशर भी है भाई जोन के अंदर जाने का, जोन उसके साथ अप्रोच भी कर रहे हैं। तो भाई भाई बंदा कंफ्यूज है, पीछे जाकर गाड़ी उठाएगा अभी क्या करेंगे। तो टीम नंबर 17 का फाइट हो रहा है, ओपन फाइट हो रहा है, 17 के पास जाएंगे। एक बंदा नॉक फिनिश हो गया है, जो कि चार बंदे थे उनकी टीम से, बस एक बंदा ऑलरेडी इलिमिनेट हो गए हैं। एंड दूसरी ओर से फाइट आ रहा है टपा टप, टीम नंबर 16 के ऊपर एक फाइट आया, और वो एक बंदा नॉक भी हो गया है। अपना जो राहल है दैट इज द लास्ट मैन अलाइव फ्रॉम दिस टीम। एंड टीम नंबर 8 एंड 9 उसके तो कूद गए हैं, हाथ में है UMP विद वेरी लो हेल्थ, ऊपर से जोन भी है साथ में, मतलब जोन मतलब कन्वर्ज कर रहे हैं। ये W8 के एक बंदे इधर से घूम के गए, उसको ले सकता था बट अपने को हील कर रहा था। मीनवाइल अपने टीममेट को उसने पेल मतलब गाड़ी से कुचल दिया है एंड हाथ में है MGP विथ विदाउट एमओ। भाई दो एमओ को रिलोड करना पड़ेगा, दूसरा गन को रिलोड करना पड़ेगा। रिलोड करते करते भाई न्यूट्रल को ले सकता था बट न्यूट्रल नहीं ले पाए, न्यूट्रल लेट गए हैं, न्यूट्रल को फायर है, न्यूट्रल नॉक हो गया। बट नो क्वालिटी उसके बैकअप के तौर पर आ गए एंड क्वालिटी उसको एलिमिनेट कर दिया है। सामने है अपना TLQ के बंदे, TLQ के बंदे की बिल्कुल स्कोपिंग कर रहा था, हाथ में AKM with 6X। AKM with 6X डोंट अंडर एस्टिमेट भाई, अच्छे से आप कंट्रोल कर पाओगे, लाइक इट्स वेरी मच मैनेजेबल। तो चलो लास्ट मैन अलाइव फ्रॉम टीम नंबर 19 एंड देख तो टैप टैप दे रहे, गाड़ी फोड़ रहे बट गाड़ी पे नहीं है अपने फोर्स तो पीछे, एंड फोर्स को ले पाएंगे तो ये टीम भी इलिमिनेट हो जाएगा। अभी जो भी टीम इलिमिनेट होता है, जो भी टीम जिसको भी इलिमिनेट करता है, देयर आर टू बेनिफिट्स, आपको तो फिनिश पॉइंट्स मिल ही रहे, ऊपर से आप एक रैंक ऊपर जा रहे हो, तो दिस इज द पॉइंट टू बी कंसीडर। और हम जाएंगे अपने फोर्स के पास, तो फोर्स भाई अपने टीममेट को रिएक्ट देने के लिए नहीं जा पा रहे बट अपने टीममेट आराम से स्मोक की कवर में रहते हुए जो मतलब अपनी कवर में आ रहे हैं। एंड मीनवाइल अपने जो बादशाह है वो कर दिया है पुश, चलो बादशाह के पास जाएंगे, ट्रेनिंग कर फायर दे रहे, पीछे से कवर कर रहा है। तो शायद अभी टीम नंबर 19 का लास्ट मोमेंट है एंड बोलते बोलते टीम नंबर 19 को उन लोगों ने इलिमिनेट कर दिया बहुत ही प्यारे तरीके से। वी गॉट आवर टॉप 4 टीम्स व्हिच इज 5 14 17 21 21 के बाद जाएंगे, तो 21 का लास्ट मैन अलाइव है जो कि लेटे पड़े हैं एंड अपना जो प्रेजेंस जितना मिनिमाइज जितना कम दे सकते उतना ही दे रहे। एंड अकॉर्डिंग टू मी दिस प्लेयर शुड एब्सोल्युटली बी स्टेल्थ, लास्ट मोमेंट पे निकल के आओ, एटलीस्ट हैश टैग टू निकालोगे और अभी अगर निकल के आप एक भी पॉइंट नहीं लोगे बट मतलब इतना बेनिफिट नहीं। हैश टैग टू मतलब हमेशा एक काइंड ऑफ रेस्पेक्टफुल वो है पोजिशन है, भाई आपको ज़्यादा पॉइंट नहीं मिलेगा। और हम जाएंगे टीम नंबर 20 के बाद, टीम नंबर 70 एंड 5 के बीच में बहुत तगड़ा फाइट हो सकते हैं, दोनों टीम से तीन तीन बंदे लाइव है। मीनवाइल 21 का जो बंदा है वो शायद उनको फाइट लेना पड़ेगा क्योंकि जोन के 11 मीटर बाहर है। और भाई 11 नंबर टीम को दे दिया है अपने BRS का टीम विच इज़ फ्रॉम टीम नंबर 17 के बंदे ने नॉक। और चलो और टीम नंबर 14 का जो लास्ट मैन लाइव है उसने भी स्पॉट टाइम पर फाइट उसको ले लेगा बहुत ही प्यारे तरीके से, 0 HP के साथ अपने राजगढ़ ने टीम नंबर 11 को लिमिट कर दिया है। तो अपना नाम हैशटैग 3 पे लेके आ गए और बोलते बोलते भाई अपना 4 RL के बंदे हैशटैग 2 पे
पे आ गए नाउ इट्स ए क्लियर चिकन डिनर BRX वर्सेस 4RL एब्सोल्युटली BRX के तीन बंदे जीतते हैं तो देयर आर 99.99% चांस दैट BRX विल होल्ड द चिकन डिनर फॉर द फर्स्ट मैच ऑफ दिस सेमीफाइनल्स ऑफ 5000 रुपीज टूर्नामेंट एवरीथिंग मैनेज में लिटिल प्लेस सो 4RL के जो राजगोट है देखते हैं भैया क्या करते हैं फिलहाल लूट रहे एंड हाथ में है AKM एंड दूसरा गन है M4 तो ही विल गिव हिज बेस्ट चांस एट दिस मोमेंट और अभी उनके पास थोड़ा सा बहुत मौका है अकॉर्डिंग टू मी देख सकते हो वो लोग अभी भी ओपन में है तो लेट के एक दो स्पे देगा तो भाई मिरा मतलब बिल्कुल मिरा के एंड BRX शूटर को कुछ देने की कोशिश बट शूटर के पास था ओम ओम का एक फटका बंदा हो गया गायब और उसको R4L को मिला #2 जो कि सेकंड पोजीशन है और BRX को मिला #1 और बाकी भाई बच्चा के एक टीममेट को BRX के बंदे को ने दिया था नॉक दूसरा बंदा आके अपना जो 11 की टीम के साथ बैर के भाई खुद फिनिश हो गया एंड यस राजगोट कहाँ गए राजगोट आपका जो कमेंट कर रहे हो एनीवे वी गॉट आवर विनर्स दैट इज द गुड पार्ट एंड मैं भाई बाकी 16 मिनट क्या करूँगा नेक्स्ट IDP क्रिएट एट 8 बजे मैं 16 मिनट क्या करूँगा ये क्रशर का आईडी है उसके अंदर उसका सेटअप है तो मैं तो खेल ही नहीं सकता TDM मीडियम लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम 20 टीम्स ज्वाइन किया बहुत ही बढ़िया किसी का कोई भी डाउट कुछ भी है तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन पे आई विल आंसर यू इंस्टेंटली सलो कब होगा भाई हम बोल रहे हैं ना मोनेटाइजेशन ऑन होने दो फिर हम कर देंगे सलो मैंने बोला भाई इंस्टेंटली बोला तब बोला था देखो कागो नाम का बंदा वो सेटिस्फाई होके बोला सलो मतलब ठीक है ऐसा कुछ बोला तो सोलो मोनेटाइजेशन ऑन होने दो जिसके लिए बस हमको और 100 आवर्स चाहिए वॉच आवर्स उम्र कितनी है खाने में क्या पसंद है खाने में तो भाई पिज़्ज़ा उम्र है 21 गेम में फेवरेट कौन सा गाना है एब्सोल्युटली M4 ब्रदर बट अनफॉर्चुनेटली ग्लेशियर नहीं है मेरे पास लिजर्ड है आपका नाम नहीं बताया भाई आपको शायद आज तक मैं 4-5 बार पूछ चुका हूँ हार्ट स्नाइपर आप अकॉर्डिंग टू मी फ्रॉम क्वालिफायर्स आप कमेंट कर रहे हो तो अब तक आपका नाम मुझे नहीं मिला तो आप अपना नाम बोल सकते हो हमें सबके साथ शेयर कर सकते हो इफ़ यू आर गुड विद दैट तो आपको प्राइवेसी का कोई इशू नहीं है तो और बातें करते करते भाई 747 आप लोग क्या बोलते हो मतलब मैं लिथल जे आर देन आई थिंक यू नो मी वेरी वेल सिंस यू आर ट्राइंग टू हाइड योरसेल्फ ऐसा कोई बात नहीं है भाई और भाई मैं खुद बच्चा हूँ भाई मेरा मेरा कहाँ से और जूनियर आएगा इम्पॉसिबल चीज़ें मत बोलो बता दो भाई कौन हो चलो थोड़ा बहुत और भी किसी का कोई डाउट है कोई कुछ चीज़ पूछ लो आपके पास 10 मिनट है क्योंकि देख सकते हो ये क्रशर का सब कुछ है तो मेरे पास कुछ भी नहीं है मतलब कंट्रोल्स जो होता है तो मैं खेल नहीं सकता इस कंट्रोल के साथ मेरा कंट्रोल अलग है या फिर मैं अपना आईडी लॉगिन कर नहीं लॉगिन करते करते फिर ज़्यादा हो जाएगा
चलो उसका इन्वेंट्री देखते हो क्रशर का। हाँ ये सही है। आपके पास 10 मिनट खाली मिले तो आप क्या करेंगे? मैं अगर कुछ प्रोडक्टिव करना है तो मैंने कुछ वेबसाइट्स मतलब जो मेंबरशिप है वो लेके रखे, उसको थोड़ा सा देख लेता हूँ। अगर मतलब बहुत स्ट्रेस्ड आउट हो तो क्लैश ऑफ क्लैंस, नहीं तो क्लैश रॉयल खेल लेता हूँ 1-2 मैचेस। एटक्स मैचेस नहीं, एटक्स कर लेता हूँ। बट मोस्ट ऑफ द मैं खेलता हूँ, प्रोडक्टिव नहीं करता, बिल्कुल टाइम मैनेजमेंट नहीं है। मेरा न्यू ईयर के रेजोल्यूशन है कि मैं टाइम वेस्ट जितना, मतलब देखो टाइम वेस्ट तो ऐसा नहीं बोल सकते टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, टाइम वेस्ट हर एक बंदा करता है। और अगर कोई बोलते हैं मैं टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ तो ऐसा नहीं है, कोई भी परफेक्ट नहीं है। बट मैं अपने आप से ये बोला कि आई विल मिनिमाइज इट, जितना हो सके इतना कम करूँगा टाइम वेस्ट। फिलहाल देख सकते हो ऐसे ही बैठा हूँ, कुछ नहीं कर रहा क्योंकि अपना एक चीज़ कर सकते हो। तो अभी तो 10 मिनट खाली है, एक चीज़ कर सकते हो, एक के अटैक कर सकते हो ना क्लैश ऑफ क्लैंस में, या फिर क्लैश रॉयल, क्लैश ऑफ क्लैंस में करते हो, क्या बोलते हो? आप मेरा आईडी देख लेना, ये देखो तोड़ दिया भाई। 2-3 दिन पहले खेलना मतलब बंद कर दिया था, 2-3 दिन पहले खेलना स्टार्ट किया तो मेरे एक दोस्त की क्लैन में आ गया। मेरा भी क्लैन है तो सिंस मैं इतना एक्टिव नहीं हूँ तो वह वहाँ से आ गए। उस क्लैन का लेवल 11 है, इस क्लैन का लेवल 7 है और हम हैं इधर वार पे। और भाई सुपर ड्रैगन दे दिया और ये है मेरा वार बेस। बताओ कैसा लगा आपको? मैंने भी ये वार बेस खुद नहीं बनाया, ईट जू नाम का बंदा है, यूट्यूब है उस चैनल उसका, तो प्रोफेशनल सीओसी प्लेयर है। तो वहाँ पे जाता हूँ, लेटेस्ट वार बेस मतलब लिखता हूँ बस इज्जू वार बेस ऐसा कुछ लिखता हूँ, आ जाता है डिस्क्रिप्शन पकड़ उठा लेता हूँ। लेट्स सी हाउ गुड इट परफॉर्म्स। बट ये जो मेरा अकाउंट है, मैंने ये अकाउंट 2015 में क्रिएट किया था और अभी तक ठीक ठाक है। जब से गोल्ड प्लस या फिर जो भी पास है नाम के इसका, गोल्ड पास ही है ना या फिर जो पास है, पास आना स्टार्ट हुआ तब से मैं ले रहा था। तो जब भी मैंने खेलता, रिसेंटली यूट्यूब स्टार्ट करने के बाद मैंने खेलना छोड़ दिया तो तब से गोल्ड पास नहीं लिया, पर जब भी खेलता हूँ तब ले लेता हूँ। जैसे कि अभी इस बार ले लिया, हमने सोचा कि थोड़ा बहुत तो बाकी है मैक्स कर लेंगे। मैक्स के मामले में सिर्फ किंग को मैक्स करना है और डिफेंस के मामले में एक्सपो है, आर्चर टावर और एक लेवल अप होगा, और विजार्ड टावर, कैनन, मॉर्टर ये सब कुछ बहुत सारे लेवल्स अप होगा। आप लोग भी खेलते हो क्या क्लैश ऑफ क्लैंस? चलो एक अच्छा खासा बेस देखने के मिलने की ट्राई करता हूँ और फिर लेट्स सी। क्लैश ऑफ क्लैश रॉयल से क्लैश ऑफ क्लैंस ज़्यादा फेमस है, क्लैश रॉयल भी मेरा मैक्स आउट है। जब मैं क्लैश ऑफ क्लैंस नहीं खेलता हूँ तब क्लैश रॉयल खेलता हूँ। मतलब जब मैं मतलब एक टाइम की बात नहीं कर रहा हूँ, बीच बीच में मैं गैप ले लेता हूँ पूरा, लाइक 1-2 महीने का, मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता। अभी क्लैश रॉयल अच्छा नहीं लग रहा है तो क्लैश रॉयल से पूरा गैप ले लिया, क्लैश ऑफ क्लैंस थोड़ा बहुत इधर उधर। मैं भी वही करता हूँ, वर्ल्ड बेस्ट स्नाइपर NT3। हाँ मैंने भी लिखा है NT2 स्टार बेस। नहीं तो मतलब इट्सू इट्स लाइक अ ब्रांड, मतलब उसका बेस, वो खुद एक लेजेंड लीग प्लेयर है तो उसका बेस चल जाता है ठीक ठाक, तो मैं इसलिए मैं इट्सू ट्राई इट्सू लिखता हूँ तो आ जाता है अच्छा खासा। चलो एक ट्राई करता हूँ कुछ करने की। और आर्मी भी बिल्कुल रैंडम है, देख सकते हो 8 स्निकी गोबलिन, फिर 6 वॉल ब्रेकर, कोई मतलब काम का ही नहीं है। 6 वॉल ब्रेकर क्यों भाई, 2-3 मोर देन एनफ, सुपर वॉल ब्रेकर वो भी ऐसे ही रैंडमली छोड़ दूंगा।
ओ भाई क्वीन मर गया, व्हाट द एफ। मैंने सिर्फ एबिलिटी भी यूज़ नहीं किया अभी तक। भाई 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 एफ हो गया अपना। नहीं, ये हम कभी नहीं खेले भाई आज तक, मतलब रियल लाइफ में खेले, बट ये जो ऑनलाइन वाला लूडो है आज तक नहीं खेले। शायद है फुल स्टार, शायद यूज करना पड़ेगा क्या। हो लास्ट मोमेंट पे। अच्छा हाँ फुल स्टार है भाई, इतना दम तो है अपना इस पे। अरे लोडो तो भाई ऐसा ही है, कोई भी स्किल पे डिपेंड। हाँ फुल स्टार नहीं है, खत्म। चलो मैं भी ऐसे फुल स्टार के लिए नहीं खेल रहा, ऐसे ही खेल रहा रैंडमली बस टाइम पास। ये भी हो गया थोड़ा बहुत, बाकी है आज रात को फिर से रख लगा दूंगा। और कुछ नहीं, एक के बिल्डर में से खाली रखता हूँ। इंस्टा पे चोरी स्टोरी देखो मेरा। लोडो लोडो पे कोई स्किल नहीं है भाई, बस आपकी लक पे डिपेंड है। नहीं, हम इंस्टा क्यों खोलेंगे, आपकी स्टोरी देखने के चक्कर में मेरा खुद का सब कुछ रिवील हो जाएगा, मतलब जो भी है मैं किसको फॉलो करता हूँ नहीं करता हूँ। नहीं, ऐसा गंदा काम नहीं करते। चलो और 5 मिनट से। अपडेट करो इंस्टा मेरा प्लीज़, वीडियो बनाई मैं। नहीं भाई नहीं करना, और आईपैड में इंस्टा नहीं है अपना। ओह नो नहीं होगा। हेलो तनु गेमिंग, वेलकम टू द स्ट्रीम। हाँ मैं देख के तारीफ कर लूँगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। चलो आईडी पे दे देता हूँ। सबसे सही बात है कि नेटवर्क इशू नहीं हो रहा।
हाय हाय, कल मेरा एग्जाम है। मुझे कल कॉलेज नहीं जाना क्योंकि मुझे एग्जाम नहीं देना। मुझे कुछ नहीं पड़ा, टीम बंद करके थोड़ा बहुत देख लूँगा। और कल मतलब दोपहर को है तो दिन के टाइम भी थोड़ा बहुत टाइम मिल जाएगा टू स्टडी। चलो आईडीपी तो दे दिया, पहुँच जाएगा आपको टाइम पे। हाँ मैं पढ़ लूँगा, 40 मार्क्स का एग्ज़ाम, इतना भी टफ नहीं है। चलो 8:10 को स्टार्ट होगा, फिर से सब लोग 8:10 पे आ जाना। मार्क्स की कीमत हम जानते हैं भाई।
to get off their darkest ground. But gravity pulls you straight down. Earth from a bird's eye view. You should grow feathers and see this too. When you want to get off the darkest ground, but gravity pulls you straight down. चलो गाइस इट्स टाइम टू स्टार्ट और 12 बज गया और एक मिनट वेट नहीं करेंगे भाई, अभी लोग ज्वाइन कर रहे हैं तो उनको बस अपने पोजीशन पे जाना है तो फिर स्टार्ट कर देंगे इमीडिएटली। चलो ये लोग चले गए एंड सब की सब स्लॉट सी फील्ड है एक्सेप्ट स्लॉट 17। बहुत ही तगड़ा मैच होने वाला है, आप लोग समझ ही सकते हो, मतलब इतने क्राउडेड है, इतना सीरियस है, मज़ा आ गया। अब बस मैच देखो आप लोग और मज़े लो। नेटवर्क के इशू भी मोस्ट प्रोबेबली सॉल्व हो गया और लास्ट 20 मिनट्स कोई फ्रेम ड्रॉप नहीं हुआ, तो मैं भी फुल ट्राई करूँगा हर एक फाइट को जितना डिलजस्ट बना पाऊँ उतना ही मैं ट्राई करूँगा। और देख सकते हो 67 नहीं मोर देन 70 बंदे ज्वाइन किया, 69 बंदे ज्वाइन किया, धीरे धीरे आ रहा है 72, आई थिंक 75 ज्वाइन किया। हेलो बस एंड 75 बंदे ज्वाइन किया वो लास्ट मोमेंट पे और एक बंदा आ गया स्लॉट नंबर 1 पे। मतलब देखो मैं अपनी तरफ से फुल ट्राई किया लोग अपने स्लॉट पे चले जाए, और टाइम है 8:12 को स्टार्ट होगा तो हम 8:13 को ऑलमोस्ट 8:13 के करीब आ गए थे स्टार्ट होते होते, तो ही कैन नॉट क्लेम दैट आई हैव स्टार्टेड अर्लियर, आई हैव स्टार्टेड ऑन द सेम टाइम। एनीवे इट्स हिज फॉल्ट, उसने लेट ज्वाइन करने की स्टार्ट की ट्राई की। स्लॉट नंबर 17 पे होगा मोस्ट प्रोबेबली ये बंदा जो भी है स्लॉट नंबर 1 पे। ओके फाइन, नाउ लेट्स फोकस ऑन द मैच 1-2 एंड लेट्स गो। वी गॉट अ प्लेन बर्थ व्हिच इज फ्रॉम, दिखा दे भाई आजा, हाँ कैंपो मिलिटर टू लियो लॉस लियोन्स। ओके फाइन,
लेट्स गो। एंड मेरे एक टीम कूद भी गए हैं जो कि है स्लॉट नंबर 8W। 8W का टीम लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा बहुत ही अच्छा खासा वो लोग अटेंशन गेन कर रहे थे। अभी ग्राउंड पे कोई नहीं है, जैसे ही प्लेन बच स्टार्ट हो इमीडिएटली वो लोग कूद गए एंड अपने अपनी अपना जो मे बी उनका ये है ड्रॉप लोकेशन, तो वो लोग अपने ड्रॉप लोकेशन की पास ही प्लेन पथ मिल गया, तो दैट्स ए गुड पॉइंट फॉर देयर लक। और बाकी टीम्स भी धीरे धीरे कूद रहे देख सकते हो, और एक टीम से पूरा सिर्फ दो टीम कूदे अब तक आउट ऑफ दी 20 टीम्स। एंड अभी फाइनली दो तीन बहुत सारे टीम्स कूद गए देख सकते, बहुत सारे टीम्स पूरा लाइन लगा के बैठे हैं सबके सब बंदे। एंड भाई ये जो अपना पोजीशन है, ये जो अपना जंकयार्ड है, जंकयार्ड आते ही सबके माइंड में आके आप कूदेंगे भाई, अब मिडिल पॉइंट आ गया, आप कूदने का टाइम हो गया। एंड अपना जो फर्स्ट टीम कूदे थे अभी 8W की टीम, वो अपने अपने हाथ में देख सकते गन है, एंड जोन देखना पड़ेगा कहाँ पे जाएंगे। इधर दो टीम एक साथ जा रहे हैं, टीम नंबर 4 की एक बंदा जा रहा है एंड बाकी टीम 20 पूरा जा रहे हैं। टीम नंबर 4 के बाकी बंदे थोड़ा सा दूर है, थोड़ा राइट की ओर पे है एंड बाकी तीन बंदे एक साथ है। और जहाँ पे भी दो टीम का थोड़ा बहुत हम लोगों को क्लैश दिखने के लिए दिखने का थोड़ा भी मतलब पॉसिबिलिटी लगेगा, वहाँ पे हम लोग इमीडिएटली चले जाएंगे। अगर आपका भी कोई भी टीम आप किसी को सपोर्ट करते हो तो एब्सोल्युटली कमेंट करो, हम उस टीम के पास इमीडिएटली चले जाएंगे, जाके देखेंगे क्या सीन है उन लोगों का। और इधर ग्रीन एंड येलो का कुछ फाइट 11 vs 7 हो सकता है, एंड दोनों के दोनों टीम अभी तक कूदे नहीं है। सबसे पहले अपना जो फ्यूरियस ओपी है वो कूद गए हैं हाथ में गन, और मीन वाइल सामने वाले बंदे भी आएंगे तो आराम से निहत्ते बंदे बंदा फेल सकते हैं। लेट्स सी वो इसका जो सबसे पहले कूदने का जो एडवांटेज है वो लेते हैं। गन भाई घटिया गन मिला, Win 98 इतना अच्छा गन नहीं है, थोड़ा बहुत स्कोपिंग कर सकते हो बट डैमेज बहुत ही कम है। और दूसरा गन क्या मिला, दूसरा DPS, दोनों भी दोनों गन शॉर्ट रेंज एंड इतना अच्छा खासा नहीं है, मतलब ठीक है भाई कुछ मिला है वही बड़ी बात है। टीम नंबर 18 के पास जाएंगे, 18 का टीम पूरा ग्रेड से किसी को फोड़ दिया है, चलो उनके पास जाएंगे जाकर देखेंगे क्या सीन है उनका। तो ग्रेड से इधर होगा जो उसको भी फोड़ा होगा, नो इधर भी नहीं है। जैक्स पेरो को इलिमिनेट भी कर दिया, ओके फाइन मिल गया। लॉस्ट लियोन्स की सेंटर पे उधर जो भी कुछ हो रहा है, टीम नंबर 8, यस टीम नंबर 8 से बिलोंग करते हैं जैक्स पेरो, एंड उसको भाई बहुत ही अर्ली इलिमिनेशन के साथ मैं बोलूंगा फर्स्ट इलिमिनेशन है पूरे लोबी का। मीरामार का एक ही मैच होता है, सेमीफाइनल्स पे भी एक ही मैच होता है, तो उसी मैच पे ये फर्स्ट इलिमिनेशन है। तो जैक्स पेरो मर के भी अमर हो गए, और उसके साथ भाई टीम नंबर बाकी टीममेट जो है जो घर के अंदर है ठीक ठाक गन है। एंड टीम नंबर 5 की बात करेंगे तो टीम नंबर 5 इधर देख सकते हो है ठीक ठाक है, एंड डेडली एंडी जो भी है भाई सब कुछ मस्त है। एंड जीवन ओके फाइन, टीम नंबर 15 के भी थोड़ा बहुत है, टीम नंबर 15 के जो माफी है हाथ में कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं लूटा, जस्ट आई थिंक नींद से उठे, बाकी टीममेट भी थोड़ा बहुत दिख रहे हैं आसपास। एंड लेट्स सी दूसरे और फाइट फिर से किल फीट पे किसी के भी नाम आएंगे तुरंत उसके बाद चले जाएंगे, और कोई बंदा कमेंट करेगा कि भाई इस बंदे को दिखा तो हम एब्सोल्युटली इमीडिएटली उसको पहले देखेंगे, उसके बाद बाकी फाइट कवर अप करेंगे। तो प्लीज़ कमेंट एंड आस्क फॉर योर सपोर्टिंग टीम, जिसको भी सपोर्ट करते हो आप हमेशा पूछो, हम जाएंगे वहाँ पे उसका फाइट सबसे ज़्यादा कवर अप करेंगे। एंड आफ्टर द मैच एंड्स फिर से हम उसको रिव्यू भी करेंगे। तो इधर देख सकते हो टीम नंबर 14 एक बंदा है, नहीं 11-1 के हार्ट स्नैपर भाई, आपका नाम नहीं बताया भाई आपने, आप बहुत गलत काम करते हो भाई, दिल तोड़ दिया भाई आपने। एंड ओके योर स्लॉट इज 14, ओ भाई आपकी स्लॉट कोई हम आपकी दिल की बात हम जानते हैं भाई, आप बोलने से पहले हम स्लॉट 14 को देख रहे थे। एंड चलो एक एक करके हर एक बंदे को देखेंगे उनका क्या POV है। आई थिंक एक बंदे को किसी ने डैमेज दिया है, मोस्ट प्रॉब्ली स्लॉट नंबर 11-19 के एक बंदे, यस जोकर ओपी इज सम हाउ डैमेज लाइक वेरी मिनिमम है बट स्टिल डैमेज, वो एक बात है। तो थोड़ा बहुत सबकॉन्शियस लेवल पर प्रेशर क्रिएट होगा कि भाई हम डैमेज इधर से हट जाते हैं। और भाई नूब गेमर प्ले का भी स्लॉट 14 है, उसका सपोर्टिंग टीम है, तो बहुत ही बढ़िया स्लॉट 14 के लिए बहुत सारे टीम तैयार कर रहे हैं। तो एब्सोल्युटली दिस टीम शुड शाइन अप, एटलीस्ट गो #8 सच दैट दिस टीम गेट्स क्वालिफाइड फॉर द नेक्स्ट राउंड, ताकि आप लोग भी फिर से मतलब कुछ तो रीज़न चाहिए ना आप लोगों को स्ट्रीम पे आके कमेंट करने के लिए। तो मैं हमेशा चाहूँगा स्लॉट नंबर 14 का जो आइकॉनिक का जो टीम है ये टीम फाइनल्स तक पहुँचे, एंड आप लोग फिर से उस स्ट्रीम पे कमेंट करो, थोड़ा सा मतलब माहौल को गर्म रखो। एंड फिलहाल ऊपर से देखने की ट्राई करेंगे क्या किसका क्या पोजीशन है। स्लॉट नंबर 19 थोड़ा सा हाइट का एडवांटेज है, ऊपर से डिफरेंट लोकेशंस वो लोग कैप्चर करके बैठे हैं। स्लॉट नंबर 11 का स्लॉट 11-1 का वो 17 का होगा, तो 17 का एक बंदा इधर आ गया है जो कि 1 पे बैठे हैं, वो बहुत लेट है फॉर विच वो स्लॉट नंबर 1 पे आ गए, क्योंकि स्लॉट नंबर 1 पे किसी को होना ही नहीं चाहिए था। जो भी है
चलो इधर देखते हैं भाई, जो जोकर ओपी वर्सेस लेजेंड का मतलब बहुत ही क्लोज फाइट हो सकता है, मायंग वर्सेस मॉन्स्टर का हो सकता है। चलो जोकर ओपी के पास चलते हैं। जोकर ओपी ये रहा एंड सामने है M16 एंड हाथ में है AKM एंड अपना जो लेजेंड है, लेजेंड भी अपने घर में घर के अंदर है, तो कोई फाइट फिलहाल तो नहीं दिख रहा अपने को, बट बहुत ही जल्द फाइट हो सकते हैं। दूसरी ओर भी जाकर देखिए क्या कैसे ही नहीं, दूसरी ओर देख सकते हो। मुझे तो फाइट का मतलब सबके सब ऐसे दिख रहे कि वो बहुत क्लोज है। जब भी आप उनके पास जाओगे तो देख पाओगे मतलब दो घर के अंदर रिलेटेड है, तो वेरी लेस चांस। मयंक को दिए बहुत डैमेज, माइकी है सामने लिखी मुंह पे, मयंक हो गए हैं, नॉक हो गए हैं एंड पीछे से भाई माइकी एंड भाई तीन नंबर 14 भाई पीछे से आराम से बहुत अच्छा खासा कवर है 14 की तरफ से। एंड ओपनर जो नॉक डाउन उसको इमेज कर दिया है, मॉन्स्टर इमेज हो गए, नॉक फिनिश हो गए हैं। सामने से टीम नंबर 1 का एक बंदा मौके में चौका मारते हुए टीम नंबर 14 को इलिमिनेट कर दिया एट द 20th पोजिशन। दैट्स ए वेरी सैड पार्ट। इतना जल्दी इलिमिनेट होगा ये बिल्कुल मतलब वो नहीं था, बट स्लॉट नंबर 1 पे जो बैठा है उसने क्या फ़ायदा उठाया भाई, उसको 3 फिनिश पॉइंट्स मिला, बहुत ही बढ़िया खेला बंदे ने। एंड बट कोई नहीं, उसको कुछ पॉइंट्स कवर अप नहीं होगा क्योंकि आप देख सकते हो टीम वो स्लॉट नंबर 1 पे बैठे जहाँ पे वो होना नहीं चाहिए था। एंड मैं तो बस गैस कर रहा हूँ कि वो 17 का होगा क्योंकि 17 के स्लॉट पे दो बंदा अभी तक मतलब दो ही बंदा ज्वाइन किया, बाकी दो बंदा ज्वाइन नहीं कर पाए। जो भी है शॉट नंबर 19 के लिए बहुत इजी हो गया, शॉट नंबर 19 के एक बार तो नॉकडाउन भी था एंड उसको बहुत दिक्कत भी दे सकता था, बट अभी शॉट नंबर 19 के सामने से शॉट नंबर 1 का एक बंदा जिंदा है एंड ये बंदा बिल्कुल फियरलेस की तरह आगे बढ़ेंगे क्योंकि उसका कोई मतलब आगे पीछे का कोई रोने वाला नहीं है, तो एब्सोल्युटली वो आराम से जा पाएगा। एंड हार्ट स्नाइपर है नूट गेम प्ले भाई, आपके स्क्वाड अनफॉर्चुनेटली लिमिट हो गए हैं। चलो दूसरी ओर जहाँ पे 4v4 5 होने का पॉसिबिलिटी है, जैसे कि ये वाला एरिया देख सकते हो, दो तीन टीम्स का ग्रिड का टीम है एंड टीम नंबर 15 है एंड और एक टीम है शायद टीम नंबर 17 है, 17 का दो बंदा है जैसे BRX बोल्ट एंड 007 अपना बॉन्ड भाई, और इधर एक टीम दैट इज टाइटन का टीम है थोड़ा बहुत सामने जा रहा है स्लॉट नंबर 6 की ओर एंड फाइट हो सकते हैं। मीन वाइल भाई Arc9 ने दे दिया किसी को नॉक, साथ साथ फिनिश भी दे दिया है। आई थिंक बंदा जो भी बंदा एक सिंगल बंदा था उसको पकड़ के भाई पेल दिया है बहुत ही प्यारे तरीके से। और दूसरी ओर देखेंगे क्या सीन है भाई, जब मैच स्टार्ट नहीं हुआ भाई 8-9 वॉचिंग आ रहा था, पता नहीं भाई अब मैच स्टार्ट हुआ अब बंदे नहीं आ रहे। और इधर हो रहा है फाइट नंबर ग्रिड वर्सेस TRP का टीम, तो देखते हैं TRP वर्सेस ग्रिड का क्या होता है, इधर क्या कॉन्क्लूजन निकलता है। दोनों टीम की बस 0 फिनिश पॉइंट्स है, जो भी फिनिश पॉइंट्स निकालेंगे उसको भी फायदा होगा। और भाई देखते देखते भाई संस्कारी को दे दिए बहुत ही खतरनाक डैमेज, वो भाई कुछ देखा था मैंने अभी जस्ट इमोजी की तरह। ओके फाइन, फिर से अपने हील करके सामने जाने की कोशिश, और भाई क्या हो गया ग्लिच हो गया, ग्रेट के बाद पीछे जाएंगे फिर ऊपर से देखिए ट्राई करेंगे क्या सीन है उनका, क्या मतलब क्या स्टैंड है एक दूसरे के ऊपर। और भाई दे दिया है ग्रिड सनू ने माफिया को नॉक एंड दूसरे टीममेट को ग्रिड अंकुर ने, ग्रिड का टीम इज ऑन फायर, पीछे से सनू आ गए थे एंड आके 0 SP के साथ 1v2 करते हुए टीम नंबर 15 के दो बंदे को इलिमिनेट कर दिया है। तो ग्रिड अंकुर ओपन, ग्रिड अंकुर ने ग्रिड सनू ओपन द चैट एंड बहुत ही प्यारा इधर एक प्रदर्शन हम देखते हुए ग्रिड की टीम की तरफ से। और सामने है टीम नंबर 15 का लास्ट मैन अलाइव, लेट्स सी टीम नंबर 15 का क्या सीन है। टीम नंबर 15 का दो बंदे अलाइव है, संस्कारी है एंड पवन है एंड जो भी अंकुर ने किसनों ने किया है बहुत ही लाइक प्रेज वर्दी है। एंड M24 का एक शॉट करने की कोशिश बट फिर से सुनू को और एक एंगल मिल गया 4x AKM का, तो सुनू इज द स्टार मैं बोलूंगा। तो दूसरी टीम को अभी लास्ट मैन अलाइव है 15 की तरफ से, संस्कारी है तो उसको स्पॉट करने की कोशिश करेगा बट वो बहुत दूर है, तो उनके मतलब आइडिया से थोड़ा दूर है और देखते क्या होता है। पवन के पास तो संस्कारी रखते, संस्कारी तो आराम से भाग रहा है क्योंकि कोई और उनको थोड़ा सा भी लाइक हिम्मत नहीं है कि भाई आगे जाके कुछ कर पाएंगे। और ग्राउंड पर जाकर देख पाओगे तो और कोई टीम भी नहीं है, तो ये वाला फाइट तो फिलहाल ख़त्म हो गया जहाँ पे सुनू बिल्कुल उभर के आ गए उभरता हुआ स्टार जैसा। और ग्रिड अंकुर फाइनली पवन को इलिमिनेट कर दिया है। अभी दूसरी फाइट की ओर आप देख सकते हो, ये है टीम नंबर 5 vs 10।
गाइस आप लोगों के कोई दोस्त वोस्त है जो कि बीजीएमआई की मतलब बीजीएमआई को जानते हैं, बीजीएमआई गेम एक दो खेलते हैं, तो आप उनके शेयर कर सकते हो, शायद वो सब्सक्राइब कर दे एंड एक सब्सक्राइबर इंक्रीज हो जाए, बहुत ही हेल्प होगा आपकी तरफ से। और चलो सब्सक्राइबर का एडवर्टाइजमेंट हो गया, अब आपके हाथ में, आप करोगे शेयर एंड हेल्प एंड सब नहीं आप 10 vs 5 ऊपर से ट्राई करेंगे क्या है इधर फिलहाल। और एक कॉलिशन कोर्स देख पा रहे हो आप लोग, ये टीम ब्रिज क्रॉस करेंगे एंड ब्रिज पे ऑलरेडी एक टीम बैठा है, ब्रिज कैंपिंग ही बोल सकते हो, बहुत रेयर है, मतलब मीरांगल में तो ब्रिज कैंपिंग बहुत ही कॉमन चीज़ है, चाहे कुछ भी हो ब्रिज कैंपिंग हो जाते हैं, बट मीरामार में ब्रिज कैंपिंग आप देख पाओगे, बट नहीं भाई मुझे नहीं लगता ब्रिज कैंपिंग हो रहा है, ये टीम तो मूव आउट कर रहे हैं, लेकिन एक बंदा रुक गया है, दैट इज अराइज एनवर्क का एक बंदा जो है वो रुक गया है इधर, और सामने से जा रहा है बंदा टीम नंबर दूसरी टीम का एंड उसको स्पॉट किया होगा शायद, बट वो बंदा बहुत ही तेज था एंड आराम से भाग के दूसरी टीममेट भी जा रहा है, वो भी शायद चला जाएगा, यह देख सकते हो मुंह के सामने से चला जा रहा है, मैप पे हम लोग देख पा रहे हैं, एंड जो टीम है वो अपने टीममेट के लिए रुक रहे हैं टीम नंबर 6 की तरफ से, एंड सबके सब बंदे फिर से आ गए हैं अपनी पोजीशन पे, अब अभी आराम से मूव आउट कर जाएंगे अपनी सेफ लोकेशन पे। और दूसरी ओर फाइट पे भाई इधर एक बंदा नॉक हो गया है, एंड एलिमिनेट भी हो गए हैं नॉक के साथ साथ, जो कि बिलोंग करते हैं टीम नंबर 20 की तरफ से, एंड मुंह के सामने है रेड बटन का एक बंदा जो कि है BRX बॉल के सामने, तो घर के अंदर है तो शायद वो घुस के पहल सकते हैं, और दूसरी ओर तो मुझे फाइट की कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है फिलहाल इस पोजीशन पे ही है, एंड अपने बोल्ड भैया को एक सरप्राइज MF मिल सकता है, एंड देखते हैं भाई सरप्राइज MF होता है कि नहीं, सामने जो बंदा है देखते उसका नाम क्या है, उसको फिर भी देखेंगे, यह है अपना अर्चन, चलो अर्चन के पास चलेंगे, अर्चन बिलोंग स्लॉट नंबर 10 से, ब्रिज पे दिखाओ ब्रो पहले, ब्रो ब्रिज वाला सीन मतलब खाली हो गया, मतलब ब्रिज वाले पर फाइट नहीं हो रहा, आप देख सकते हो, आप देखो ब्रिज बिल्कुल साफ है भाई, मैप पे भी देखो बिल्कुल साफ है, कोई मतलब आप तो भाई अपोजिट डायरेक्शन पे जा रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, दूसरी ओर ब्रिज पे तो कोई भी नहीं है, मतलब सेंटर पे कोई बंदा है, आराम से आप देख वेख के थोड़ा सा मतलब पूछ लो अगर आपको थोड़ा बहुत डाउट है, ऐसा स्टीम पे आके पूछ लो, तो हमें क्या चाहिए, हमें तो बस वॉच आवर चाहिए, तो जो चीज़ आप दे सकते हो बाय वॉचिंग और वीडियोस। एंड स्लॉट नंबर 17 है, एक घर के अंदर दो बंदे, स्लॉट नंबर 10 और भाई इसको उसको डैमेज दे रहा था, एंड डैमेज के साथ साथ बंदा भाग की गया, एंड दूसरा टीममेट भी है आसपास, चलो अर्चन है शायद इस घर के अंदर, यस अर्चन है घर के अंदर टॉप फ्लोर पे, बाकी टीममेट से जाते हैं, बाकी बहुत ही प्यारा एक नॉक फ्रॉम इनसेन, इनसेन ने बिल्कुल इनसेन की तरह नॉक दिया है, बोल्ट भैया के पास जाएंगे तो बोल्ट भैया अपने पर हील करे, दूसरा टीममेट तो नॉक डाउन है, अभी अर्चन का मोमेंट है, इट्स अ मोमेंट टू शाइन, आप भैया प्लीज़ पुश करो अपना ब्रिज पे दिखाओ ब्रो, हाँ ब्रो हमने जस्ट ब्रिज से ही आए हैं, ब्रिज पे कोई फाइट नहीं हो रहा फिलहाल, इधर फाइट हो रहा है, इधर से कवर अप कर रहे हैं, ब्रिज से आए जस्ट हम भाई, और कहाँ पे है ब्रिज बताओ, अच्छा ब्रिज पे फाइट होगा पहले, अच्छा ठीक है जाएंगे भाई, एक सेकंड बस थोड़ा सा रुक लेते, तो बोल्ट भैया एंड एनिमी भैया नॉक डाउन है, एक अलग ही घर के अंदर है, फॉर विच नहीं मिल रहा, एंड टीम नंबर 10 आराम से इधर पुश कर रहे, बोल्ट भैया इट्स टाइम टू डू और डाई, तो इसलिए शायद अभी उस अपने टीम मेट के पास चले गए एंड अपनी टीम मेट को देने की कोशिश, इंसेंट भैया आ गए हैं और फिर से अपना जो किल है अपना जो नॉक है उसको स्कोर करने के लिए, उसका फिनिश पॉइंट देने के लिए हम जाएंगे बस, और दो सेकंड बस रुक लेते हैं, ये जो फाइट है इंटरेस्टिंग लग रहा है मेरे को, तो ये वाला फाइट देख लेते फिर जाएंगे, बॉस का कैसे नहीं, बॉस भी है साथ में, अर्चन है ऊपर पोजिशन पे, तो आप बोल सकते हो टीम नंबर 17 को चारों तरफ से घेर लिया गया है, टीम नंबर 10 एंड एक प्रोडक्शन ग्रेनेड फेंका है टॉस करते हुए, बट नो कनेक्शन ऑर्फन एंड बोल्ट के पास जाएंगे, तो बोल्ट एंड 007 अपना जो है मतलब अपने हील करके इस घर के अंदर आ गए हैं एंड फिर से ट्राई कर रहे हैं, एंड एक के बाद एक ग्रेनेड मिस हो गया अपने टॉक्सिक की तरफ से, तो ये थोड़ा लंबा फाइट जाएंगे, तो ब्रिज भाई देख सकते बिल्कुल फ्री है, कोई दिक्कत नहीं है, और आप ब्रिज पर क्या दिखाओ बताओ ना, कुछ नहीं है ना भाई, तो भाई बोलते बोलते अपने और अर्चन को दे दिए इलिमिनेशन बाय टीम नंबर 17, बहुत ही प्यारा एक कमबैक था एंड बदला था, एंड भाई देख सकते हो दो बंदे को डैमेज दिए, बट सामने बहुत सारे बंदे थे फॉर विच इमेंस नंबर ऑफ प्लेयर्स जो आउट नंबर कर दिए उसको, एंड टीम नंबर 17 को इलिमिनेट कर दिया थी 18 पोजीशन, अगर टीम नंबर 17 की तरफ से और एक दो बंदे रहते तो एब्सोल्युटली वो लोग कुछ कर पाते, बट अभी तो भाई कुछ नहीं बोल सकते, इलिमिनेट हो गए हो गए, और दूसरी ओर देखेंगे देखेंगे दो ड्रॉप है आसपास, क्या है इसके अंदर, एक के अंदर है लूटेड है शायद,
यस लूटेड है। दूसरी टॉप के पास जाएंगे, हाँ ये भी लूटेड है। चलो अब दूसरे फाइट, दो टीम्स का फाइट हमको देखना है। ये टीम रोटेट कर रहे थे, उनके ऊपर थोड़ा बहुत फाइट आ सकते हैं। एंड अभी तो दो और कोई आपको और कुछ देखने हैं तो आप प्लीज़ कमेंट करो, मैं जाऊंगा वहाँ पे। मतलब मैंने जब आपने जब पूछा था ब्रिज पे जाने के लिए, तो हमने गए थे और फिर आ गए थे क्योंकि फाइट नहीं हो रहा था। दो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे थे बंदे, तो हम फिर से फाइट की ओर आ गए थे। तो आपको फिर से किसी की पार्टिकुलर टीम को आपको फॉलो अप करना है तो आप पूछ सकते हो। और मैं फॉलो अप की बात किया तो इधर दो टीम का रूबरू हो गया है, एंड इधर फिर से एक फाइट वाला गरम गरम सीनरी क्रिएट हो गया है। W8 बोलते हैं, 8W वर्सेस R4L की टीम की बिटवीन। हार्ट स्नाइपर भाई, आपको हार्ट स्नाइपर से नाम से बुलाया क्या? आपका नाम 1000 बार पूछ चुका हूँ, आप नहीं बोल रहे हो। आपको आप इतना कमेंट करते हो तो आपके आपके नाम से बुलाने में मज़ा आएगा, मतलब अच्छा लगेगा। इट विल फील लाइक आप, मैं किसी को बुला रहा हूँ। हार्ट स्नाइपर भाई मतलब, चलो अपना जो EMZ है उसने दे दिया है BDR के एक बंदे को नॉक, और हम जाएंगे उस नॉक वाले बंदे के आसपास। इस बंदे को थोड़ा डैमेज दे रहे हैं। एंड दादा प्रणाम ग्रहण करो। नहीं, हम प्रणाम ग्रहण नहीं करते, हम कुछ छोटे बच्चे हैं। मिनी का टप टप विथ एटेक्स, टीम नंबर 20 को दिखाओ। चलो भाई टीम नंबर 20 के पास चलते हैं। ये रहा टीम नंबर 20, ग्राउंड पर जाकर देख सकते हो कोई नहीं है आसपास। दूसरी टीममेट के पास जाएंगे, उसके आसपास भी कोई नहीं है, और तीसरी टीममेट के पास जाएंगे, उसके आसपास भी कोई नहीं है। तो आपका टीम बहुत आइसोलेटेड एरिया पे है, दूसरी और फाइट चल रही है वहाँ पे जाएंगे। अगर आपका टीम आप पूछते हो आपकी टीम के लिए, हम उसकी टीम के पास जाएंगे। अगर फाइट चल रहा है तो वहाँ पे रुक जाएंगे, फाइट नहीं चल रहा है तो फिर फाइट चल रहे वहाँ पे जाएंगे। तो इधर फाइट चल रही है इधर, इसलिए आ गए हैं। जिस वीडियो टीम नंबर 11, 16 एंड 18, एंड जो 16 का बंदा है वो लेट ले दे दिया है, एक बार नॉक दे दिया फ्यूरियस को, दे दिया है नॉक उधर दूसरी तरफ। चलो फ्यूरियस को नॉक दे दिया है दूसरी टीम के पास। आप राज ओपी भी अपने अभी इधर है, एंड दूसरी टीम मेट आई थिंक इसने नॉक दिया होगा हाइपर रफेल। एंड रफेल भैया फिर से लेट के एक्सप्रेस दे सकते हैं, दूसरा टीम में आ गए फिर से देने के लिए। चलो दूसरी और W8W नेट समझे, बहुत ही बड़े एंगल मिल गया अपने हाइपर को, एंड उसको नॉक के साथ फिनिश भी दे देगा, क्योंकि मौका भी है, एमओ भी है, सब कुछ है, कवर भी है, तो भाई क्यों नहीं देगा। अब दूसरे टीम मेट के ऊपर नजर देने की कोशिश। एंड सब सुबह चल रहा है, हाँ भाई सब सुबह चल रहा है। और टीम नंबर 11 के चार के चार मिल गए हैं, एंड फिर से आ गए बहुत ही प्यारा प्लेटफॉर्म अपना जो पावाजी है, एंड पावाजी ने दे दिया अपने राफेल को एलिमिनेट नॉक। एंड उसके टीममेट के पास जाएंगे, जगह देखेंगे कैसी नहीं उनका। स्लॉट 6, तो स्लॉट 6 की बात करेंगे तो ये रहा स्लॉट 6, जिसके आसपास कोई नहीं है। पर आप जिस भी टीम के लिए पूछते हो उसके आसपास कोई नहीं है, तो आप कोई भी फाइट नहीं है, तो फाइट नहीं है तो हम फिर से जाएंगे फाइट की ओर। और ये रहा फाइट जो कि तीन टीम के बीच में था, आउट ऑफ विच दो एक टीम हो गया एलिमिनेट। अब हमारे पास शॉट नंबर 16 वर्सेस 11 हो रहा है। 11 के चारों के चार बंदे जिंदा है, एंड थोड़ा बहुत डैमेज है, हील्ड अप करेंगे फिर से खड़े हो जाएंगे अपने चार बंदे के दम पे। अपना जो ये जो टीममेट है दैट इज राफेल है, वो नॉक हो गया था, उसको आराम से रिवाइव मिल गया है। हाँ भाई प्यार दिखाओ भाई, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ये तो प्यार है भाई, दिखाओ। एंड चलो इधर फाइट हो रहे हैं तो ये फाइट थोड़ा सा कवर अप कर लेंगे। मीन वाइल अलोक हो गया है नॉक, अपने टीम में आ गया अलोक को देने के लिए। पाव भाजी पूरा कवर अप दे रहे, रफेल को दे दिया है कवर फायर में नॉक, एंड विनिंग भी कर दिया बहुत ही प्यारे UMP शॉर्ट रेंज में जॉट गन है। और अलोक भैया ये हो रहे टीम नंबर 11 इधर थोड़ा सा अपर हैंड पे दिख रहे हैं। एंड लेट्स सी अपना जो स्नैपी है एंड राज ओपी क्या कर पाएंगे। तो स्नैपी राज ओपी बोथ ऑफ देम अलाइव, कोई भी नॉक बंद नहीं है, एक बहुत ही प्यारा ग्रेनेड कनेक्शन हो सकता है। तो जाएंगे अलोक के पास, अलोक बहुत ही ज़्यादा घायल है, मतलब अपने लास्ट ब्रेथ पे है। एंड देख सकते हो अलोक हो गए इलिमिनेट, टीम नंबर 11 के पूरा पासा पलट रहे, एक बंदा इलिमिनेट हो गया, दूसरा बंदा नॉक हो गया, उसको भी इलिमिनेट कर दिया है पावाजी। एंड फ्यूरियस है दूसरी तरफ भाई, स्नैपी है अपना रफेल भी इलिमिनेट हो गए हैं, मतलब बिल्कुल नॉक फिनिश हो गए हैं। एंड मैप दिखाओ, हाँ भाई दिखा रहा हूँ, एक सेकेंड बस ये वाला फाइट देख लेता हूँ। फाइट के बीच में चला जाऊंगा तो दूसरे लोग गुस्सा हो जाएंगे। एंड देख लो आप पावाजी है, एंड सामने है अपना स्नैपी, स्नैपी शायद भाग रहे गाड़ी उठा के, एंड स्नैपी ये साथ में है मिराडो जो कि पलट गया है, तो फंस गया है फिलहाल। ट्राई कर रहे फुल पीछे से फायर आया एंड इसको इलिमिनेट कर दिया 15 पोजीशन। ये रहा आपका मैप, एंड जोन ठीक ठाक है, इतना भी ब्रूटल नहीं है। एंड मैप के साथ साथ आप देख पाओगे कि बहुत सारे टीम्स एक के साथ एक, मतलब एक के पीछे एक है, तो फाइट हो सकते हैं इधर, फाइट हो सकते हैं कि हो रहा है। चलो हम अपने मैप देख लिया होगा तो आप जाएंगे जहाँ पे फाइट हो रहा है वहाँ पे देखने के लिए क्या सीन है।
और मोले से दे दिया है ससुका ओपी ने किसी को नॉक, साथ में एलिमिनेशन जो कि फाइट हो रहा है इधर। एंड टीम नंबर 7 पर से 20 हो रहा है, ससुका ओपी जो फायर आग लगा रहा है बिल्कुल पर भी जान में। एंड और इस टाइम में बहुत ही धीरे धीरे चलते हैं टीम नंबर 7 की बोस पे। टीम नंबर 7 गाड़ी उठा के धुम दबा के भागने की कोशिश, बट यस दे आर एब्सोल्युटली गुड इन दैट। एंड देख सकते हो वो लोग सक्सेसफुल हो गए अपनी भाग में। एंड ससुका ओपी अपनी पोजीशन से कवर अप का मतलब फायर वायर कर रहे हैं, बट कोई भी फायदा नहीं हुआ। अपने टीममेट गाड़ी उठा के उसके पीछे जाने की उम्मीद के साथ, एंड देख सकते हो वो लोग फिलहाल कूद गए हैं। एंड इधर तो फाइट थोड़ा सा टल गए, दूसरी ओर जाएंगे इधर तीन टीम से जो कि है टीम नंबर 3, 12 एंड 19 एंड सलमान भाई, हाँ भाई। एंड टीम नंबर 3 आ रहा है थोड़ा बहुत रिच का एडवांटेज, हाइट का एडवांटेज लेने की साजिश में ऊपर आ गए हैं। 8W ने दे दी है ग्रिड जीरो को नॉक। एंड मीनवाइल हम ये वाला फैक्ट थोड़ा सा कवर अप करेंगे। तो भाई साहब बहुत ही खतरनाक डैमेज मिला, बंदे ने पीक क्या किया, बंदे की गांड फाड़ दी। और जाएंगे अपने टीम नंबर 12 के पास, टीम नंबर 12 के हाथ में है Kar98। तो भाई फिर से और एक शॉट टपा था, बट से शॉट लगेगा एंड बंदा हो जाएगा नॉक। और दूसरी ओर भाई Arc9, ओ भाई साहब पूरा ग्राउंड भाई भरे परे देख सकते हो। जब भी बंदे के क्लिक करता हूँ भाई पूरा मतलब मैप स्क्रॉल करना बटन जैसे बंदे हैं, 14 टीम से और मैप बहुत छोटा है। एंड इधर से थोड़ा बहुत फायर वायर आ रहा है जो कि कनेक्शन करने की कोशिश, बट नो कनेक्शन। और इधर भाई 3-4 टीम से, तो ये वाला एरिया थोड़ा कवर अप करना बनता है। एंड देख सकते हो टीम नंबर 5 का एक बंदा बादशाह जो है जो बिल्कुल क्लोज है, स्लॉट 6 को दिखाओ। हाँ स्लॉट 6 कहा गया, ये रहा स्लॉट 6 आपका। हाँ आपका टीम बिल्कुल सेफ है, ग्राउंड पे अगर किसी का दूसरे टीम का नाम नहीं आ रहा है तो आपकी टीम के बहुत ही लंबा रेडियस तक कोई भी एनिमी नहीं है। तो फिर से हम जाएंगे जहाँ पे फाइट हो रहा है जो कि है आई थिंक स्लॉट 5 के आसपास। यस बादशाह जो था बिल्कुल एनिमी के मुंह पे था। एंड आप देख सकते हो बादशाह अकेला बंदा सामने वाले एनिमी को चुनौती दे रहा है। एंड लेट्स सी बादशाह विल बी सक्सेसफुल इन 1v4 और खुद ही एलिमिनेट हो जाते हैं। टीम नंबर 8 है पूरा सामने, चलो ग्राउंड पे जाएंगे। तो टीम नंबर 8 का 3 बंदे, एक बंदा जैक्स पर पहले ही एलिमिनेट हो गए थे। बादशाह के ऊपर नजर रखते हुए अपना जो मेविस है वो आ गए हैं, लेट गए हैं। दूसरे टीममेट भी एक ग्रेनेड फेंके बादशाह के पास जाएंगे, तो देखते हैं कनेक्शन होगा कि नहीं होगा। एंड शायद ग्रेनेड कनेक्शन नहीं होगा। बस इधर रहा तो मायरा भी है क्या बोल रहे हो भाई। चलो दूसरी ओर जाएंगे, तो दूसरी ओर भाई इधर भी फाइट हो रहा है, बिल्कुल फेस ऑफ फाइट है। टीम नंबर ये जो टीम है टीम नंबर 21 वर्सेस टीम 8W। एंड एक एंगल मिल गया है 8W क्वालिटी के ऊपर, बट नो कनेक्शन। थोड़ा बहुत कनेक्शन हुआ बट एलिमिनेशन नहीं हुआ। तो भाई फिर से टैप टैप करने की कोशिश। दूसरी टीम राजगढ़ नॉक डाउन है एंड डेथ नोट फिलहाल जिंदा है। एंड 8W के पास जाएंगे, 8W के 2 बंदा नॉक डाउन है, एक बंदा एलिमिनेट हो गया है, 3 और एक बंदा एलिमिनेट हो गया है। लास्ट में लेफ्ट क्वालिटी है जो कि मतलब एक ऐसे पोजिशन पर कभी भी एलिमिनेट हो सकता है। चलो फिर से आ गया मैं, मतलब मैं
हाँ भाई स्लॉट 20 के सामने ही है हम लोग। स्लॉट 20 स्कोपिन पे देख, शॉट नंबर 21। अकेला बंदा है, साथ में मोली भी कर दिया इस बंदे के ऊपर। एंड फाइनली शॉट नंबर 10 के एक बंदे 11 के बंदे को हेलमेट कर दिया। फिर से 20 के बंदे को देख सकते हो, 20 के स्कोपिन पे स्लॉट नंबर 6 एक बंदा। एंड शॉट नंबर 6 लास्ट में अलाइव है वो, उनका भी देखेंगे। बिल्कुल कोपचे में है, कवर पत्थर का कवर अप है। एंड फिर से शॉट नंबर 20 के बाद 20 का बंदा जोन के अंदर तो फिलहाल नहीं है। एंड ऊपर से एक टीममेट भी नॉक डाउन है, ससु का ओपी स्कोपिन करके बैठे 6 नंबर टीममेट के ऊपर जो ओपोनेंट है। और दूसरा नंबर की टीम करके दो बंदे को फायर आ रहा है। एंड फाइनली टीम वाइज इसको लिमिट कर दिया 6 पोजीशन। शॉट नंबर 20 आ गए हैं हैशटैग 5 के टॉप 5 के अंदर। एंड अपना जो 19 है, 19 का 4 बंदा जिंदा है। एंड देख हर एक टीम से मतलब ज़्यादा बंदा जिंदा है, तो अभी भी कुछ नहीं बोल सकते कि कौन से टीम ऊपर आ जाएंगे। और एक टीम लिमिट हो गए हैं जो कि है अपना TLQ का टीम है। तो TLQ का टीम है फिलहाल 19, 20, 21 एंड 10 है। तो दो टीम ओके 21 के पास जाएंगे। तो R4L की टीम फिलहाल जोन के अंदर नहीं, जोन के अंदर सिर्फ स्लॉट नंबर 10 है जो कि दो बंदे जिंदा है। उनके पास 8 फिनिश पॉइंट्स है और थोड़ा बहुत हाइट का एडवांटेज लेने की कोशिश ऊपर चल रहा है। 99 के पास जाएंगे तो 99 का टीम के पास 4 बंदे जिंदे हैं, जोन के अंदर नहीं है बट बहुत ही जल्दी जोन के अंदर आ जाएंगे। एंड 20 है लेफ्ट फ्लैंक पे, टीम नंबर 10 की तरफ से एक बहुत ही प्यारा स्प्रे। एंड 20 के बंदा ऑलमोस्ट नॉक हो गए, मतलब 90 HP खा गए उसका एक ही स्प्रे के अंदर। एंड 19 के पास जाएंगे तो 19 का टीम अभी भी जोन में नहीं है, अभी भी जोन में नहीं है, तो और भी जाना पड़ेगा। 20 के ऊपर बिल्कुल स्कोपिंग करके बैठा है शॉट नंबर जो ये जोकर ओपी है। एंड लेट्स सी 20 की किसी को बंदे को एलिमिनेट कर पाता है या फिर कुछ और कर पाता है। 20 के पास जाएंगे तो जो एक नॉक डाउन था उसको बिल्कुल रिवाइव नहीं मिला, तो वो फिनिश हो गया है। एंड बाकी टीम मेट फिलहाल अपनी फिर से सेम पोजिशन पर है, तो उनके बाहर जोन कट रहा है बट स्टिल एंड 60% स्पीड का चला गया। अब उनको जोन का सामना करना पड़ेगा, ऊपर से एनिमी का भी सामना करना पड़ेगा। तो ससु का ओपी एंड रोहन ओपी, टू गुड लक टू दिस गाइस। मतलब वेरी लेस चांस जोन के अंदर जा पाएंगे बट स्टिल दे आर गोइंग। एंड रोहन ओपी इज वेरी लेट अकॉर्डिंग टू मी, अभी नॉक हो जाएगा एंड चलो जाएंगे ससु का ओपी के पास। ससु का ओपी भी अभी उसको हील करना चाहिए, तो ऊपर से आ रहा है R4L की टीम से उसके पास स्प्रे। एंड ससु का ओपी हार्डली जोन के अंदर है एंड साथ में हाथ में है पूरा फुल हेल्थ करने का हेल्थ किट, तो आराम से वो हील विल कर लेगा। एंड ससु का ओपी को मतलब सोच समझ के अपना पैर रखना पड़ेगा इन ऑर्डर टू एक्सपोज इंसल। और R4L गॉड को दूसरे मिल गया तो फिर नॉक के सामने अपने माया को नॉक। एंड पीछे से आ रहा है कवर फायर बॉडी नंबर 10, तो भाई थर्ड पार्टी और कवर फायर नहीं बोलेंगे इसको, थर्ड पार्टी का है बोलेंगे। ससु को अपने पोजिशन पे फुल हेल्थ के साथ है, तो उसको अभी थोड़ा सा मतलब धीरे रखो, 2-3 सेकंड के अंदर अपना राजकोट एलिमिनेट हो जाएंगे क्योंकि साइड में टीम नंबर 10, सामने है टीम नंबर 19 और पीछे है ससु को ओपी, तो ये तो बहुत ही आराम से एलिमिनेट हो जाएंगे। मतलब बस ससु को ओपी को
मतलब थोड़ा सा सबर करो, सबर का फल मीठा होता है। टीन और टेन के मतलब दो तीन बंदे थे, बट मीन वाइल अपना जो टॉक्सिक है वो हो गया नॉक इनसेन लास्ट में डाला फ्रॉम देयर टीम, टोटल 11 फ्लिप पॉइंट्स है। तो टीम नंबर 10 एब्सोल्युटली क्रश दिस गेम। और भाई अपना जोकर ने दे दिया है राज को, जैसे कि बोला मैंने बंदा अभी लिमिट हो जाएगा, लिमिट हो गए। तो टीम नंबर 19 है अभी मतलब अपर हैंड में, 19 के पास सबसे ज्यादा एडवांटेज है नंबर ऑफ टीममेट्स, चार बंदे अलाइव है। और सामने वाले टीम नंबर 10 के पास दो बंदे अलाइव है, एक बंदा नॉक डाउन है, आराम से इसको भी मिल जाएंगे एन अलाइव है। और टीम नंबर 19 के पास नॉक फिनिश पॉइंट, तो दोनों के दोनों टीम एब्सोल्युटली क्रशिंग दिस गेम। 11 फिनिश पॉइंट्स, 9 फिनिश पॉइंट्स, इज नो मैटर ऑफ जोक। ऑन द अदर हैंड ससुको भी बिल्कुल स्निक कर रहा है, एक साइड पे बैठे है और अपना पोजीशन होल्ड करके बैठे है। तो देखते हैं भाई कितना मतलब और कितना लेट ये मैच खींचता है। और ऊपर से इधर और भाई आ गए अपने ससुर को भी, जो कि उसका जोन जा रहा है, तो अभी तो उसको मतलब भाई बाउंड है जोन के तो जाने के लिए। और टीम नंबर 19 जोन के अंदर है फिलहाल, शायद ये जोन के अंदर है एंड एक बहुत ही प्यारा एंगल लेके बैठा है ये बंदा, बिल्कुल गन गन पीछे करके टीपीपी ले रहे हैं, पूरा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कहाँ पे बंदे है। टीम नंबर 10 के बंदे भी घर के अंदर है एंड जोन के अंदर भी है, तो ठीक है चलो सहेंगे। अपने टीम नंबर 20 के पास 20 का टीममेट भी फिलहाल जोन पे अंदर आ गए हैं, बहुत ही जल्दी एक जंग और इनसेन शायद अपना जो ससुर को है इसको स्पॉट कर लिया। चलो इंसान के बाद जाएंगे उनका पीओवी देखेंगे, कोई भी रिस्क नहीं ले रहा, हर एक बंदा अपना मतलब जितना हो सके जितना शांत हो सके फुल शांति के साथ काम कर रहा है। एंड देखते हैं भाई कौन पहले किसको नॉक करता है वो ही देखने के बाद, तो ऊपर से देखेंगे हम लोग क्या सीन है इनका। एक के बाद मतलब दो तीन ग्रेनेड भी इधर उधर हो गए। एंड टीम नंबर 19 जो है वो शायद अभी मूव इन करने का टाइम हो गया उन लोगों को, देखते वो लोग जोन के अंदर नहीं है, मतलब ठीक है कॉर्नर पे जोन के अंदर है। अगर हम उस दूसरी तरफ जाएंगे तो नंबर इस टीम 20 के बाद जाएंगे, 20 का टीम 48 मीटर्स आउटसाइड जोन है और टीम नंबर 10 जो है वो है अपना 37 मीटर। तो फिर से भाई एडवांटेज 19 के पास है, तो स्मोक बुक करके घर का कवर लेते हुए अपना जो टॉक्सिक है वो जा रहा है जोन के अंदर। एंड 10 मीटर्स, 9 मीटर, 7 मीटर, हाँ इस कॉर्नर पे जोन है, कोई दिक्कत नहीं है, अपना टीममेट भी आ जाएगा। और अभी बात है ससुका को टीम नंबर 20 को जोन के अंदर जाने के लिए, तो उनको भी जाना पड़ेगा बहुत ही जल्दी। मुझे जितना लगता है वो किल फीट का वेट कर रहे हैं, फायरिंग साउंड को वेट कर रहे हैं, जब भी सामने वाला दो टीम एंगेज हो जाएंगे तब ये बंदा एंट्री करेगा जोन के अंदर, लाइक सलमान खान। तो भाई देखते हैं, अभी फिलहाल बंदा हिल बैटल करने के लिए तैयार है, 4 हेल्थ किट है, ज़्यादा देरी टिक नहीं सकता, बट तब तक भाई शायद जंग छिड़ जाए एंड #2R उनके लिए। और देखते हैं भाई कितना देर तक ससुर को अभी इधर रह पाते हैं। फिर से और एक हेल्थ किट लगा रहे हैं और उसके पास इसके इस हेल्थ किट लगाने के बाद और लास्ट हेल्थ किट रहेंगे, तो भाई उसके बाद उसको मतलब बाउंड टू गेट इनसाइड। हेलो राहुल जी, आयशा जी, वेलकम टू द स्ट्रीम, थैंक यू फॉर जॉइनिंग आवर स्ट्रीम। और दूसरी ओर हम लोग देख पाएंगे अपना टीम नंबर 10 है बिल्कुल कॉर्नर पे है, मतलब क्या बताओ, 1 मीटर अगर थोड़ा सा भी उधर खींच जाते जोन तो जोन भी बाहर रहते। एंड बहुत ही पहले क्लॉक निकाला है और भाई साहब एक गोल्डन ग्रेनेड के साथ, ये डेथ रिप्ले देखना था मेरे को, ये जो ग्रेनेड था पूरा गेम बदल दी भाई। ससुका आ गए #2 पे और मतलब क्या बताओ, 1 सेकंड में 4-5 काम हो गए, एक साइड 1 सेकंड पे भाई ग्रेनेड से 3 बंदे फिनिश हो गए और उसका टीममेट ने उसको नॉक किया था। दूसरी ओर भाई ससुका इमीडिएटली मर भी गए और उससे पहले TR के 4 बंदे थे, चारों के चारों बंदे वो हो गए ग्रेनेड से मर गए। तो मैं बहुत ही लाइक एक सरप्राइज मदरफकर हार्ट अटैक जो भी बोलूँ आप, सब कुछ एक ही साथ हो गया, बिल्कुल खिचड़ी हो गया है एंड जो भी था, बट बहुत ही मज़ा आया हम लोगों को। आप लोग ही बोलो, आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि टीम नंबर 10 के जो 2 बंदे 4 बंदे को ले पाएंगे, बट जो ग्रेनेड था वो बिल्कुल गोल्डन लेवल था, फॉर विच उनको उनके ग्रेनेड ने पूरा चिकन दिला दी, बिल्कुल मजाक बना के रख दिया भाई मौत को भाई, बिल्कुल ये पूरा मैच उसके हाथ में था, बट पॉसिबल जो भी है ये होता है अनसर्टेनिटी गेम, इसके लिए ही लोग ये गेम खेलते हैं एंड इतना ज़्यादा हाई पेज गेम का। एक ग्रेनेड ने पूरी ज़िंदगी बदल दी भाई, पूरा चिकन डिनर ला के देते हाथ में। व्हाट आई एम थिंकिंग इस नेक्स्ट रूम भी क्रिएट कर लेता हूँ, क्रिएट करके IDP दे देता हूँ, फिर आप लोग धीरे धीरे ज्वाइन करो।